Hey guys, welcome back to my channel. My name is Dia. So this video is going to be a late night studying video because aap logo ko bahut achhi lagti hain late night study videos meri. So here I am with another one. Acha guys, ek aur cheez, video start hone se pehle let me tell you guys ki is wali video mein na main thodi si neend mein hi thi because mereko na kafi neend aa rahi thi, but still I studied. Aaj main do subjects padhe, social science and AI. We are gonna do a late night studying today because aaj I have to do history and AI. Aaj main history kar rahi hu aur AI kar rahi hu, which I'm gonna be showing you guys. So here is history, here is AI. Aaj do subjects padhenge late night ko. Today is 3rd of October and let's study. Birthday time everything was great, lekin padhne ke baad guys jo mujhe neend aayi na, main aap logo ko kya bataun, I was feeling so sleepy. To uske baad main bas aisi neend mein hi thi, but theek hai. I talked to you guys a lot. Video ke end mein maine aap logo ko kafi sari tips di hain, kafi sari cheeze batayi hain, and is din na like I was so drained, matlab meri energy itni low gayi thi na, because main पूरा दिन आई वॉज वर्किंग, आई वॉज डूइंग पढ़ाई, आई वॉज डूइंग वीडियोज, एडिटिंग, एवरीथिंग. तो उसके लिए आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, ठीक है, लेकिन स्टिल आई स्टडीड. अच्छा गाइस, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे प्री बोर्ड आने वाले होते हैं ना, तब जैसे आज ये वाला दिन मेरे लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग गया था, लेकिन क्या होता है ना गाइस कि आप थोड़ी सी भी देर पढ़ लो ना, दो तीन घंटे भी दिन में या चार घंटे मैक्सिमम, लेकिन आप वो मन से पढ़ो, मन लगाकर अच्छे से पढ़ो, पूरा फोकस करके, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर यू. इतना अपने आप पर ना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है कि मुझे इतनी देर पढ़ना ही पढ़ना है, ये करना ही करना है, सात घंटे दिन में पढ़ना ही है. गाइस, प्रेशर तो अपने आप पर कभी डालना भी मत, क्योंकि उससे क्या होता है ना, योर ब्रेन नीड्स रेस्ट, एंड वो लाइक आप रेस्ट उसको दो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो अपने आपको रेस्ट भी दिया करो बीच बीच में, जैसे मैं ब्रेक्स लेती हूँ, एंड जैसे आज मैंने दो सब्जेक्ट्स किए हैं रात में. सुबह में आई डिड साइंस, लेकिन रात में आई डिड सोशल साइंस एंड AI गाइज. और AI में आई डिड द चैप्टर AI प्रोजेक्ट साइकिल, एंड सोशल साइंस में आई डिड नेशनलिज्म इन इंडिया. ये चैप्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जस्ट फील इट्स अ वेरी ईजी चैप्टर, काफ़ी ईजी है समझने को भी. तो आई रियली लाइक दैट चैप्टर. तो ये दो चैप्टर्स मैंने रात में किए हैं, ये दो सब्जेक्ट्स के दो चैप्टर्स मैंने रात में किए हैं थोड़े थोड़े, एंड या दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. और हाँ गाइज, एक और चीज़, यू गाइज आस्क मी अलॉट की डिया क्या आप एक टॉपर हो, यू नो यू लुक लाइक अ टॉपर एंड ऑल दैट. गाइज, मैं टॉपर नहीं हूँ, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, बट या देर इज डिसिप्लिन इन मी बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन इट. एंड या अच्छा गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दीज बुक्स बाय एडुका जोन. नाउ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दीज बुक्स. ये वाली बुक्स मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स इनके मैं सॉल्व कर रही हूँ, आई टॉक अबाउट इट. तो इस टाइम मेरे पास जो चार सब्जेक्ट्स हैं वो है हिंदी, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स. ये चार सब्जेक्ट्स अभी मेरे पास हैं इन बुक्स के, इन बुक्स में ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके अंदर क्या है. तो इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे CBSE बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 एग्जाम, जो कि है फुल्ली सॉल्व्ड. सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 2024 एग्जाम इशूड बाय CBSE बोर्ड, एंड ब्रेन स्टॉर्म मैप्स प्लस क्विक रिविजन. तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं गाइज, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस बुक में देखने के लिए मिलेंगी. दिस इज़ फॉर द CBSE स्टूडेंट्स. 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आर देयर इन दिस बुक, एंड इट्स फॉर द 2024 एग्जाम. सो यू गाइज कैन बाय दीज बुक्स फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. मैंने इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप लोग ये बुक्स ले सकते हैं. अच्छा गाइज, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. ये मेरी हिस्ट्री की बुक है, मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ अभी, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. या सबसे पहले मैंने सोशल साइंस किया. अच्छा गाइज, आप लोग मुझे बहुत पूछते हो डी आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, जो मैं आगे भी बता चुकी हूँ वीडियो में, लेकिन अभी भी बता देती हूँ. जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी वीडियोज बहुत पहले से देख रहे हैं, उन लोगों को पता है कि आई लव सोशल साइंस. मेरा सोशल साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. अच्छा चलो, अब सोशल साइंस की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं AI की. नाउ आप में से काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि डिया आप AI कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू स्टडी AI. अब अगर गाइस मैं AI की बात करूँ ना, मुझे पर्सनली AI सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है. इट्स अगेन सोशल साइंस के बाद AI इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि इट्स ना रियली अंडरस्टैंडेबल. मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे होगा नहीं या कुछ, बस आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश में या इंग्लिश में समझ सकते हैं एक बार को कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने हैं. इंग्लिश इज़ ऑल्सो माई फेवरेट सब्जेक्ट. बाकी गाइज, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझोगे ना AI में, उतना ज़्यादा आपकी हेल्प होगी. AI इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स. I just got done
with both the subjects. मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत I went through the chapters. Oh, my scale is down. I honestly really like social studies because I think social studies एक ऐसा subject है जो मेरे को बहुत समझ आता है easily, and I know काफ़ी लोग social science पर डिया social science किस पर, you know काफ़ी लोगों नहीं पसंद होगा, but it's my favorite subject. You guys have asked me a lot what's your favorite subject or not. My favorite subject is social science guys, and also एक और चीज़, एक common question जो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा पूछते हो कि दिया आप 11th में कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो, एंड एक और क्वेश्चन है कि आपने अभी 10th में बेसिक मैथ्स लिया हुआ है या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स. सो 11th में आई एम गोना चूज ह्यूमैनिटीज, एंड 10th की बात करें तो मैंने बेसिक मैथ्स लिया. बेसिक मैथ्स मैंने इसलिए लिया बिकॉज एक तो मुझे साइंस या कॉमर्स में नहीं जाना है जिसमें मैथ्स होती है, एंड ह्यूमैनिटीज में जाना है. सेकेंड ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज इज माई फेवरेट सब्जेक्ट तो इसलिए, एंड तो मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स लेके कोई वो नहीं है फ़ायदा, क्योंकि मुझे मैथ्स में जब जाना नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड, तो फिर इट्स बेटर कि आई टेक बेसिक मैथ्स, राइट. सो या आई हैव चूजन बेसिक मैथ्स, एंड या तो हम में से काफ़ी लोगों ने ना गाइज बेसिक मैथ्स लिया है, एंड यू गाइज आस्क मी अ लॉट कि डिया is NCERT enough for basic maths or is it not. To be very honest guys, NCERT is not enough for basic maths. आपको sample question papers भी करने हैं. Sample question papers में जो questions आते हैं, the questions वो आप solve कर सकते हो ताकि आपको पता रहे कि किस type के questions आएंगे. Boards में जो board के जो paper होते हैं, board के papers में भी आप देख सकते हो questions maths के जो बोर्ड्स के आते हैं ना, जैसे लास्ट 10 ईयर लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर बुक जो आती है उसमें, वो आप लेकर उसमें आप लोग देख सकते हो मैथ्स में कि कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा आए हैं, यू नो एंड एवरीथिंग. तो वो चीज़ आप एक कर सकते हो, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है इसमें. एंड बट अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से करो, बिकॉज अगर आप बेसिक मैथ्स का पूछो, येस एनसीईआरटी में से काफ़ी एनसीईआरटी में से मेजॉरिटी चीज़ें आती हैं, लेकिन आगे उसके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस सॉल्व भी करने होते हैं, जो मैं भी कर रही हूँ सॉल्व. तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो मैं कर रही हूँ. प्लस अगर आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेते हो ग्रेट, एनसीईआरटी की सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते हो ग्रेट, या दैट्स द थिंग गाइस, वो आप कर सकते हो. तो वही चीज़ है. एंड अगर आप लोग ये चीज़ पूछो गाइस कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में फ़र्क क्या है, तो देखो जो बेसिक मैथ्स होती है ना उसमें बोर्ड में क्वेश्चन का जो लेवल होता है बेसिक मैथ्स अगर आप चूज़ करते हो, तो एज यू नो कि हमें सेट्स मिलते हैं सेट ए सेट बी करके, तो उसमें बेसिक मैथ्स अगर आप चूज़ करते हो तो आपको जो सेट मिलता है बेसिक मैथ्स वाला, उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना उसका जो लेवल है वो ईजी होता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड मैथ. डू वॉट योर हार्ट सेज, एंड जो आपने ले लिया है अच्छे से उसी की मेहनत में लग जाओ, प्रिपरेशन में लग जाओ, एंड दैट इज़ वॉट या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वही मैं बोल रही हूँ. एंड या जस्ट प्रिपरेशन करो, 4 महीने रह गए हैं गाइस बोर्ड एग्जाम्स को, प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, फिर बोर्ड्स आने वाले हैं. बस गाइस एक बार बोर्ड हो जाए ना, लेकिन ये पता है कुछ लोग बहुत बोलते हैं, कुछ लोग बहुत बोलते हैं कि 11th में ना बहुत डिफिकल्ट है, 11th 12th से वो 10th से भी डिफिकल्ट 11th है. गाइस क्यों सुनते हो उन लोगों की यार, क्यों नहीं क्यों सुनते हो, 10th कर लो, 11th में जो स्ट्रीम लोगे उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर लो, और इनफैक्ट मेहनत करो आगे बढ़ो. बट इन लोगों की मत सुनो जो बोल रहे हैं 11th इज़ डिफिकल्ट 11th इज़ डिफिकल्ट. ब्रो आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, मेरी अहमदाबाद में इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी 11th में जो है उनसे मैं बातें करती हूँ, देर लाइक चिल है सब चिल है, 10th जितना स्ट्रेस तो नहीं है, बिकॉज 10th में यू हैव बोर्ड्स, 11th में यू डू नॉट हैव बोर्ड्स. तो दैट इज़ द थिंग. बाकी दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेरी आंखों से भी आप लोगों को दिख रहा होगा आई हैव नींद इन माई आईज, स्लीप मुझे बहुत नींद आ रही है, सो आई गो स्लीप. सो यस थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं करी इस वीडियो में, मैंने सोशल साइंस में एक टॉपिक जो है एक टॉपिक लर्न किया है, एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज किया है, लर्न किया बेसिकली, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन डिटेल वाले क्वेश्चन में आपको टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन सत्याग्रह, एक्सप्लेन रेबेलियन वाला,
तो काफ़ी चीज़ें पूछते हैं. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई हैव डन द 5 स्टेजेस एंड आई हैव ऑल्सो डन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई डिड AI प्रोजेक्ट साइकिल, जिसमें आई डिड स्टेजेस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल एंड उन पांचों स्टेजेस को आई हैव लर्न. जो भी स्टेज है, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, एवैल्यूएशन, एवरीथिंग. सो यस, दैट्स व्हाट आई डिड टुडे. And yes, the 4W canvas, that's all it did. So thank you guys so much for watching this video. I love you guys so much. And I'll go sleep. And yeah, video ke ideas dena, do like this video, share it with all your friends, comment down below what videos do you guys want me to make next. And also do subscribe to my channel, as subscribing is totally free guys. Niche red color ka subscribe ka button hoga, do click it. And yes, I love you guys so much. I make study related content here on my channel. Study vlogs, study routines, and a lot more. And I would really appreciate it a lot. If you guys subscribe to my channel and join my YouTube family. I love you guys so much. Thank you guys so much for watching this video, and I will see you guys in my next video. Bye.